Hey guys, welcome to my channel Razanta Gam Raza Chaudhary and I am vlogging today. अभी मैं पी रहा हूँ कॉफी. By the way, आज के दिन का मेरा second vlog है और आज मैं अपने दोनों भाइयों को करवाने वाला हूँ मैगी चैलेंज. मैं नहीं करने वाला हूँ, वो दोनों ही करेंगे मैगी चैलेंज. तो चलिए इस vlog को करते हैं कंटिन्यू. मैं आ चुका हूँ रूम में और दोनों जो कंटेस्टेंट हैं वो हमारे पीछे बैठे हैं और मैगी भी ला के मैंने बना कर रख दी है इनके चैलेंज के लिए. तो अब करते हैं चैलेंज वीडियो स्टार्ट. दोनों रेडी हो? Yes. कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा. वो तो पता चल जाएगा कौन जीतेगा. और यार इस चैलेंज में ना हम टाइमर भी रखने वाले हैं. मुझे एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा था कि तू जो चैलेंज वीडियो करता है ना उसमें टाइमर भी रखा कर, तो उससे काफी अच्छा इफेक्ट आता है. लोग जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करते हैं, वरना अगर बिना टाइमर के रखते हैं ना तो ये सही हकीकत है कि अगर टाइमर नहीं होता ना तो बहुत लेजी रह खाते हैं. इसने जो मेरे साथ आइसक्रीम चैलेंज करा था ना उसमें बहुत लेजी था, कॉमेंट भी आया था मुझे इनफैक्ट. तो अभी करते हैं इन दोनों का ये मैगी चैलेंज स्टार्ट. टाइमर मैंने ओपन कर लिया है, दोनों कंटेस्टेंट भी रेडी हैं और जो टाइमर है वो 2 मिनट का है. तो करते हैं स्टार्ट. 3, 2, 1 स्टार्ट. आप तो मैं जीतूंगा भाई साहब. 2 मिनट भी ज्यादा दे दिया ऐसा लग रहा है. 2 मिनट भी ज्यादा दे दिया ऐसा लग रहा है भाई. इसका मुंह देखो और फिर एक इसका मुंह देखो. दोनों को इक्वल मैगी डिस्ट्रीब्यूट करी गई थी. देखते हैं कौन जीतता है भाई. भाई इसकी प्लेट पूरी साफ है लेकिन इसकी प्लेट में थोड़ी सी मैगी बची है. बहुत ही दुख के साथ कहते हैं आपने इतनी अच्छी तरह से खाया उसके बाद भी आप हार गए. और 1 मिनट 15 सेकंड में इन दोनों ने चैलेंज पूरा करा है. भाई साहब कितनी स्पीड में तुमने मैगी खाई है. सीरियसली ये लगा कि ये एक चैलेंज जो है. पानी पीने के हमारे एक कंटेस्टेंट. हाँ भाई आप हार गए, आपको कैसा लगा हार के? जी जाता गले में टक गई थी. हारने के बाद भी अपनी मैगी को एंजॉय कर रहे हैं. तो खाइए आप पहले, दूसरा कंटेस्टेंट भी आ जाए जो जीत चुका है, उसके बाद हम पूछते हैं कि उनको कैसी खुशी हो रही है जीत के. तो भाई ये रहा हमारा इस चैलेंज का विनर और ये रहा इस चैलेंज को हारने वाला. लूजर नहीं बोलते हम, क्या लूजर है, लूजर हम जीतते हैं. मेरे से हारे थे आप, डोंट फॉरगेट. मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी और फिर उसके बाद मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी एक हफ्ते तक. सिर्फ एक दिन तक इसकी तबीयत खराब हुई थी, एक हफ्ता. चल बोलता रहे, तेरे बोलने से कुछ नहीं हो रहा. आपको हार के कैसे लग रहा है तो हमने देख लिया, आपको जीत के कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इनको लग रहा था कि ये जीतते ही हैं लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. हमने पहले कह दिया था कि हम जीते ही हैं, बस की नहीं है. और अब तक देखिए ऐसा ना से पहले ही भाई वैसे ही ये हार चुका है. क्यों मैं जीता हूँ सोच क्यों, क्योंकि इसके प्लेट में अभी भी देख ले. अभी भी का ये तो एक दाना बच गया था, ये तो खा जाएगा. ऐसा ना हो तुम दोनों की ऑन वीडियो लड़ाई हो जाए. वैसे भी इन दोनों की भाई बहुत ज्यादा लड़ाई होती है. ये लग रहा इसमें भी तो कोई नहीं, वो लेकिन जीत चुका है. आप हारे हो इस बारे में तो कुछ पनिशमेंट या कुछ ऐसा कुछ था क्या? क्या इनको 10 सेटअप लगाने? 10 सेटअप लगाने ऐसा बोलना ही नहीं था. हाँ भाई ये चीटिंग हो जाएगी. ऐसे स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला, क्या पता फिर अगला वो सोच के. हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है. वीडियो बंद हुई और ये देखो भाई दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो गई. जैसे मैंने कहा था ये कभी भी लड़ सकते हैं और ये ऑन वीडियो लड़ चुके हैं गाइस. कैमरा जबरदस्ती मेरे से बंद कराया गया था. अपने बड़े भाई को मारते हाँ, कौन ये भाई? कोई नहीं आप हार गए, कोई नहीं छोड़ दे यार उसे. अरे ज्यादा ही बोल रहा है. ओ भाई साहब भाई लड़ गए. भाई हट जाओ यार, हट जाओ भाई. भाई प्लेट में लात मार दूं. भाई हट जाओ, भाई हट जाओ यार. वो बेचारे के वैसी चोट लग रही है. हमने छोड़ दिया भाई यार, काट लिया उसको भाई मेरा हाथ.
ऑन वीडियो कितनी बुरी तरह से लड़ रहे हैं। ओ भाई वहाँ पे हार में बैठे हैं। यार ये दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं। वो आगे बैठे हैं जिसके भी पापा ने चाटा लगाया। ये दोनों बहुत लड़ रहे हैं। और ले ले यार चुप हो जा। अबे चुप हो जा। पापा से चाटे के आगे कैसा लग रहा है? कैसा लगा? रोना रहा है। ओ हमारे घर में तो बिग बॉस चलता है लाइव। मुझे कभी कमी महसूस नहीं होती कि बिग बॉस का सीजन बंद हो चुका है वाला, क्योंकि हमारे घर में रोज बिग बॉस चलता है। अगर मैं ऐसी लड़ाई दिखाऊंगा, इतनी लड़ाइयां होती है इन दोनों की भाई, इतनी लड़ाई होती है। अब चुप हो जा भाई, इन दोनों की बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही थी इसलिए ये अलग बैठा दिया, उस दूसरे को अलग बैठा दिया। भाई तुम इसके फेस पे निशान देखोगे किस चीज का है, आप खुद बताना चाहेंगे? तुम ही बता दो। नहीं नहीं आप ही बता। अरे नहीं नहीं आप ही बता। अरे 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 बता दे। अरे बता दे। अरे हाँ हाँ अरे हाँ प्लीज बताना। नहीं यार ये तो आपको बताना है, इसके जो फेस पे निशान है ना, ये पार्क में भाई आज खेल रहा था तो खेलते खेलते गिर गया और इसके निशान हो गया। और उसके बाद भी इसे अकल नहीं आई, ये दोबारा खेलने लग गया, फिर इसने अपने पैर पे लगवाई, नी पे भी इसके भी चोट है, नी पे भी चोट है और चिक पे भी चोट है। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे क्या सीखता? क्या ऐसे नहीं खेल, ऐसे तो लगती रहती है खेल में। ये बात भी ठीक है, ऐसे तो लगती रहती है खेल में। और ये जो चैलेंज में आपके दिल पे चोट लगी है जो हम नहीं दिख पा रहे, कौन सी चोट है? ये हारने की चोट। हारने की चोट क्या था? अब आप जीतेंगे। जब गले में अटक गया था तो उसमें हारना था। और क्या हारे हो भाई आप? जब उसकी प्लेट में तो दाने बचे हैं बता। नहीं वो उसकी में इतना नहीं था, आपके में ज्यादा था। यस यस यस। तो खैर हम नेक्स्ट चैलेंज करेंगे, उसमें आप जीतोगे या हारोगे? आइसक्रीम चैलेंज कर ले दोबारा से नेक्स्ट डे। नहीं इतना बजट नहीं है, हमारा बजट बहुत ज्यादा कम हो चुका है, हम 10 रुपए की मैगी पे आ चुके हैं। यार तो मेरे सबसे छोटे वाला भाई है ना, उसे पॉकेमोन कार्ड का कलेक्शन करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी दिखाया था उसको पूरा पॉकेमोन कार्ड का कलेक्शन, इतने सारे उसके पास कार्ड्स है, मोर देन 1000 कार्ड्स ना उसके पास। और आज उसने और कार्ड्स ऑर्डर करे हैं, और जो आज कार्ड्स ऑर्डर करे ना उसके बारे में मेरे से इतनी तारीफ कर रहा था कि भाई ये सबसे अच्छे हैं, ये गोल्ड है, ये ब्लैक है, सिल्वर। मुझे जनरली बताऊँ ना कुछ नहीं पता पोकेमोन कार्ड्स के बारे में, उसी को ज़्यादा क्रेज चढ़ रहा है आजकल और उसके फ्रेंड सर्कल में। खैर अभी ना मैंने उसे भेजा, ले भाई जिसका नाम ले रहा था वो आगे पोकेमोन कार्ड्स ले गए। आजा दिखा वीडियो में। हाँ भाई दिखाइए आपके पास कौन कौन से कार्ड्स हैं। भाई देख रहे ये पूरा बंडल, ये सिल्वर है, महंगी बात ये है। गोल्डन कार्ड्स मिक्स मत करियो। और ठीक है भाई मिक्स नहीं करने का। भाई यार देख रहे हो मुझे तो लिटरली, मेरे पास तो वो जो इसके पास दूसरे वाले हैं नॉर्मल कार्ड वैसे भी कार्ड नहीं थे। ये मैंने सुना ये रियल कार्ड्स हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं मैंने सुना। और आगे से देख, मैंने सुना है बहुत महंगे आते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ये मुझे साउथ दिल्ली वाली क्यों फील दे रहा है कि भाई जैसे साउथ दिल्ली के छोटे छोटे बच्चे नहीं होते क्या, वो लाते हैं पॉकेमोन कार्ड्स ये वो। ये तो हो गया भाई गोल्ड, ठीक है। सबसे अच्छे वाले कौन से होते हैं वो दिखा, जो तेरे कलेक्शन के सबसे बढ़िया कार्ड्स हैं। ये कौन से? ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड, इनका बेनिफिट क्या होता है? ये भाई देखो ये ब्लैक कार्ड, इनका बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? मतलब इनसे बैटल होती है, और बैटल होके जो कार्ड ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी हेल्थ ज्यादा होती है। ये है अमीरों का ताश, तुम ऐसा कहने चाह रहे हो कि अमीरों का ताश है? अमीरों का ताश है भाई ये। और ये कौन सा है? ये सिल्वर का। भाई देख सिल्वर कार्ड, इनमें से मैंने कुछ उठा के दे दिए। सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक, हर वैरायटी के कार्ड्स है। क्या करेगा इनका भाई? बैटल करूंगा इनसे। सही है भाई, सही है। सबसे रेयर कार्ड दिखाओ अपना, सबसे ज्यादा रेयर कार्ड। सबसे पहले सिल्वर आते हैं, फिर गोल्डन आता है, फिर ब्लैक आता है। हाँ। और सिल्वर से नीचे कौन से होते हैं? सिल्वर से नीचे होते वो नॉर्मल कार्ड्स जो दिखाई दे। वो तो भाई इसके पास इतने सारे हैं और ये भी इतने सारे हैं। वो तो होंगे 500-600 कार्ड। 500-600 से ज्यादा कम बोल दिया मैंने। 1000 से ज्यादा। 1000 से ज्यादा। इनको कहता है सबसे रेयर कार्ड्स। इनको बोलते हैं पैसों में आग लगाना, जो इन्होंने लगाई है इन कार्ड्स को खरीद खरीद के। भाई कितने के आते हैं ये कार्ड्स? इन्हें ला मैं अपनी दीवार पे लगा लूं और बैकड्रॉप बन जाएगा मेरा कसम से। नहीं, नहीं, नहीं।
बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोकेमोन कार्ड को अपनी दीवार पे लगा लूं स्टूडियो की गोल्डन बैकग्राउंड। बजट नहीं है ना हमारे पास कि हम वॉलपेपर खरीदे, ढाई सौ रुपए का मंगवा ले। हमारे पास अगर बजट होता तो हम वॉलपेपर मंगा लेते। ये देखिए ये सबसे रेयर कार्ड है मेरी कलेक्शन में। सबसे इसमें सबसे अच्छा कौन सा कार्ड है मुझे नहीं पता। सबसे अच्छा ये है, मुझे दे रहा है जिसको पोकेमोन कार्ड के बारे में 0% नॉलेज है। ये है म्यूटू, स्क्रीन पे दिखाना मुझे। म्यूटू ब्लैक कार्ड, म्यूटू पिकाचू रेनबो में, पिकाचू रेनबो में। और ये है आरसीएस, ऐसे ऐसे नाम तो मेरे से बोलने भी नहीं आता। और ये भी म्यूटू है, म्यूटू। और ये है ड्रैगन, ये सबसे अच्छा है, ये सबसे अच्छा कार्ड और सबसे एक्सपेंसिव। और ये वाला कार्ड मेरा सेल हो गया। खरीद तो खरीदने बेचने का आज ही आए। इसको 100 रुपीज का। यार ये तो बिजनेस माइंडेड है भाई, मतलब ये एक कार्ड इसने 100 रुपए का बेचा है भाई। देख रहे हो यार, जो खरीदने वाला है वो भी पागल ही होगा और जो बेचने वाला है वो तो सही पागल। गोल्डन में ये दोनों, इनको भी बेच दिया नहीं, इनको इनके भी ये अच्छा, इनके खरीदार नहीं मिले। मतलब अभी कौन खरीदता है, जो ट्रेडर्स होते थे इनको, ट्रेडर्स ट्रेडर्स। नाइस, सीख रहा भाई, सीख रहा ट्रेडर्स। काश यार इतनी नॉलेज बचपन में मुझे भी होती तो मैं 2-2 रुपए के पार्ले जी ना खाकर 20 रुपए का ओरियो बिस्किट खाता, मुझे भी खुशी होती। मजाक कर रहा हूँ यार सीरियसली, लेकिन इतनी छोटी एज में बिजनेस 100 रुपीज एक कार्ड को सेल करके, मुझे भी यही, ये तो कुछ भी मुझे, नहीं है, मुझे मुझे अपनी कंपनी में ज्वाइन करवा लो। ये तो कुछ भी नहीं है अभी। क्यों, इतने वो जो कार्ड दिखाई थे ना उस दिन, वो सारे सेल पे लगा रखे हैं और वो 15 से 20 हजार के जा रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा हो गया ना मालिक, मालिक पैसा ही पैसा होगा मालिक, मुझे भी अपने साथ जोड़ लो। आई एम रजा चौधरी साइनिंग ऑफ एज एन कंटेंट क्रिएटर जॉइनिंग माय ब्रदर्स कंपनी ऑफ ट्रेडिंग कार्ड्स पोकेमोन। जितने के हो गए ना उतने हो गए तो ये गोल्डन कार्ड के कुछ ही कार्ड होंगे। मैंने कुछ नहीं करा, मैं मेरे से गलती हो गई है, पकड़ो अपने कार्ड। इतनी भारी भारी चीज भाई, मेरे से अगर नुकसान होगा कहाँ से पैसे दूंगा मैं, तो वैसे ही कर्जे में चल रहा हूँ, हट जाओ। यार अभी टाइम हो चुका है रात के 11:01 और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि यार कल का जो दिन है ना वो काफी ज्यादा लंबा होने वाला है, बहुत ज्यादा काम है कल मुझे, और क्या काम हो तो कल के व्लॉग्स में आप देख लेना। तो इस व्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पे एंड। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।